बता के बिठा दो बाकी तुम अब बैठ जाएंगे। अच्छा संडे को भी हाँ बैठेंगे तो गाड़ी करके जाने वाला है। उस तरफ ऊपर तो हम लोग होकर आते अभी सब डिटेल में बताते हैं, सब जमा हो जाए इसके बाद। गारे सूर रही है, अभी सबको डिटेल में बताते हैं। आ जाए बस भी आ जाए ना, अभी बस में से उतरने भी दो ना लोगों को, थोड़ा सबर से भाई साहब, थोड़ा सबर, मजबूत ग्रुप को लेके चलना रहा ना। वो बात नहीं है, वो शुरू करो इसमें बयान कर दो। हाँ दो मिनट दिक्कत है ऐसे में, क्या जगह सूर ऊपर जा नहीं सकते, अभी जाकर आएंगे तो दोपहर हो जाएगी, तो और जा रहे थे कब करेंगे, क्या है क्या वहाँ गारे सूर, गारे सूर बताएंगे, पूरी हिस्ट्री बताएंगे। अच्छा सब लोग आ जाए ना, जरूर जहाँ आज हमको ऐसे आराम से चढ़ना मुश्किल, लोग हमारे नबी और सहाबा ने इतनी तकलीफ नीचे बैठ के लो, बैठ के लो, बैठ के लो, ऊपर का व्यू अच्छा आएगा। यही गारे शोर है जी, अभी सारा डिटेल बता दें इंशाल्लाह, सब लोग आ जाए, तीसरी बस भी आ जाए। एकदम इसका सीधा देखना ऊपर,
वो सब ऊपर चढ़ हमारे शोर में सब चढ़ गया सो बढ़ा रहा हूँ। ऑप्शन में जाके रिकॉर्डिंग को म्यूट पर डाल। डाका डालने आए लोग आपके आंखों से
आंसू रवा दवा हो गए, आंसू चालू हो गए और आंसू के डब्बे जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुस्का रुस्का ने मुबारक पर लिया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा ए सिद्दीक अकबर किस बात ने तुझे रुला दिया? तो उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायद उसमें कोई सांप है जो मुझे डस रहा है और आपकी नींद में खलल करना नहीं चाहता था इसलिए मैं बर्दाश्त कर रहा था, मगर बर्दाश्त की हद हो गई और मेरे आंखों से आंसू निकला। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा पैर हटाइए और अपना रुआ पे जाना आपके पैर पे रख दिया, जहाँ पर सांप ने डसा था वहाँ पर हमारे सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अंगूठे मुबारक पर अपना रुआ पे जहन डाल दिया तो उसका नहन गायब हो गया, और आपने फरमाया उसने सलाह का सुनी थी ये सिद्दीक अकबर ये सांप कहीं हजार साल से मेरी जियारत का मुंतजिर यहाँ बैठा हुआ और ये जियारत की तड़प में इसने पिया डस, और जब उस वक्त मैंने यहाँ पर कायम किए और उपार यहाँ तक पहुँच गए तो उसी वक्त सिद्दीक अकबर ने जब देखा कि उपारों के पैर तक नजर आ रहे थे तो उन्होंने कहा यार रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब हमारा क्या, हम तो दो है ए सिद्दीक खौफ न कर हमारे साथ अल्लाह भी है कुछ ना होगा। तो उसी वक्त मकड़ियों ने जाल बिछा दिया और कबूतरी ने अंडे डाल दिए, तो जाहिर बात है फिक्री तौर पर कोई ये सोच ही नहीं सकता कि जहाँ पर जाल हो मकड़ी का जाल हो पूरा उसमें कबूतरी के अंडे हो तो अंदर में कोई हो सकता है ना। तो इसी तरह से उपार वहाँ से चले गए और जो मोहब्बत है ना कबूतर चौक पे लोग दाने खिलाते नजर आते हैं, बार बार लोग कहते हैं कि इसी नस्ल के तो कबूतर थे जो इसके रसूल वाले थे, इसीलिए मोहब्बत में लोग उन्हें दाना खिलाना भी थे। आप मरकत और मुकदस से कहा अगर आप ऊपर जाना चाहते हैं दोनों साथ में एक में तीसरा भी आ रहा है सही रहा
माइक कहाँ है? अरे माइक है वो बैटरी बैटरी पहले रात को बोलते तो मैं कर लेता था। नहीं वो बैटरी मैंने डाली तब भी नहीं चल रहा है, चेक करके लाया मैं। चला 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 चल बाबा। सब आ गए ना अपने? खलास 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 बिस्मिल्लाह।